हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हेल्थी डाइट में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं आपकी गुड हेल्थ के लिए अच्छे अच्छे सुपर डुपर प्रोडक्ट्स जो आपको फिट और हेल्थी रखने में मदद करते हैं। सो गाइस, आज का हमारा प्रोडक्ट है सैफ्रोन, सैफ्रोन यानी केसर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही हम कोई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो गाइस, चलिए बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक केसर के बारे में। केसर क्रोकस सैटिवाइस नामक फूल से निकालने के बाद हमें मिलता है। हालांकि यह इंडियन स्पाइसेस में सबसे महंगा स्पाइस माना जाता है, लेकिन इसके नियमित सेवन से होने वाले फायदों के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। चलिए बात करते हैं इससे होने वाले कुछ खास हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। केसर हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है, उसको मेंटेन करता है, साथ ही साथ हमारे डिप्रेशन लेवल को भी कम करता है। ये हमारी ब्रेन हेल्थ को अच्छा करने में और हमारी याददाश्त को बढ़ाने में कारगर है। रोजाना गर्म दूध में केसर के 2-3 थ्रेड को मिलाकर इसका सोने से आधा घंटा पहले सेवन करने से हम अपनी ब्रेन हेल्थ को बहुत ही गुड कर सकते हैं। साथ ही साथ गाइस, प्रेग्नेंट वोमेंस के लिए पुराने समय से ही केसर के नियमित सेवन के बारे में कहा जाता है। इसके नियमित सेवन से जो बच्चा है वो स्वस्थ और सुंदर पैदा होता है। ये हमारे दिल से संबंधित बीमारियों में भी बहुत ही लाभदायक होता है। गाइस, केसर में क्रोसेटिन नामक जो तत्व होता है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखता है। यदि आपके चेहरे पर दाग व धब्बे हैं तो केसर के नियमित सेवन से आप उनसे छुटकारा पा सकती हैं, और साथ ही साथ यह आपकी त्वचा को भी चमकदार बनाता है। सो गाइस, चलिए बात करते हैं केसर की प्योरिटी के बारे में। गाइस, मैंने हाउस ऑफ सैफ्रन के कश्मीरी केसर और अफगानी केसर लिया है, और साथ ही साथ एक गिलास पानी। ये देखिए गाइस, कुछ इस तरह से हमारा कश्मीरी केसर दिखता है। ये गहरे लाल रंग का होता है, ये देखिए गाइस, और इसके अपोजिट हमारा अफगानी केसर जो है वो थोड़ा हल्के लाल रंग का होता है, जिसे हम ऑरेंज रेड भी कह सकते हैं। ये देखिए, बात करते हैं कि इसकी प्योरिटी को कैसे चेक किया जा सकता है। एक गिलास पानी में हम केसर के 2-3 थ्रेड लेंगे। ये देखिए, मैंने कुछ इस तरह से 2-3 थ्रेड ले लिए हैं और इसे पानी में मिक्स कर देंगे। यदि हमारा केसर साथ के साथ रंग बदल रहा है तो इसका मतलब हमारे केसर में मिलावट है, और यदि इसके रंग को बदलने में 30-45 घंटे का समय लगता है तो इसका मतलब हमारा केसर प्योर है, क्योंकि केसर का रंग बदलने में समय लगता है। गाइस, ये मैंने कुछ आधा घंटा पहले केसर मिक्स कर रखा था पानी में, कुछ इस तरह से हमारा पानी का रंग आधे घंटे बाद हो जाएगा। सो गाइस, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।